हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है जर्नल। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ये वो चैप्टर है जर्नल एंट्रीज और जर्नल, और एक चैप्टर और जो हम पहले कर चुके हैं आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये दो चैप्टर्स अगर आपने अकाउंट्स में अच्छे से समझ लिए तब समझिए आपकी आधी लड़ाई तो पूरी हो चुकी है। तो इसलिए इसको बेस से समझना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ भी आपको डाउट लगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है आपने कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको दूसरे वीडियो में समझा दूँगा आपको। तो सबसे पहले हम समझेंगे जर्नल का मतलब क्या है। जर्नल जो है, जर्नल इज़ द ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज द प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब है कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है तो जर्नल के अंदर सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सीक्वेंस में, डेट वाइज जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएंगी उसकी एंट्री उसी हिसाब से होती रहेगी। जर्नल में एंट्री एक दफ़े हो जाने के बाद सबसे पहले एंट्री होगी, और उसके बाद वो जाएगा लेजर के अंदर जहाँ फाइनल रिकॉर्डिंग होती है। तो लेजर का चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, अभी हम इसको फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ट्रांजेक्शन से ये, हाँ, हमारा मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। कुछ अगर इवेंट्स हैं तो उसकी अकाउंट्स में कोई जगह नहीं है, वी कैन नॉट शो देम इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर हम 5000 लिखते हैं तो 5000 मीन्स रुपीज़ 5000। ये सिर्फ नंबर नहीं है, नंबर अकाउंट्स में नहीं है, सिर्फ 5000 रुपीज़ है, और अकाउंट्स में प्लस या माइनस कुछ नहीं लिखा जाता। 5000 मीन्स रुपीज़ ओनली। इफ़ एट ऑल अगर हमें कहीं माइनस दिखाना भी है कि इसमें से 500 रुपीज़ माइनस किए हैं, तो उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है इस तरह से, ब्रैकेट्स में। जितना भी आपने माइनस करना है ब्रैकेट में दिखाइए, माइनस साइन साइन नहीं दिखाना है। तो आपका आ गया 4500, इस तरह से शो करना है। अब आप बोलेंगे जो हमने एक चैप्टर पहले किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें तो हमने खूब माइनस प्लस किए हैं। स्टूडेंट्स, वो जो चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, वो आपके सिलेबस में 100 में से 2 या 3 नंबर का आएगा, और वो चैप्टर्स आपको बेस समझाने के लिए था, अदरवाइज उस चैप्टर की कहीं कोई अकाउंट्स में जगह नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जो आपका सेकंड या थर्ड चैप्टर है, तो वो क्योंकि आपने अकाउंट्स 10th तक नहीं पढ़ी, ये अकाउंट्स की आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंट्स, तो आपको अकाउंट्स समझाने के लिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर इसमें रखा हुआ है, जिसके अंदर हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, इनमें कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है वो हम साइन के हिसाब से बताते हैं। अदरवाइज अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहीं माइनस प्लस साइन नहीं आता। तो फिर से जर्नल के ऊपर आते हैं। अब आप बोलेंगे जर्नल में जो फर्स्ट एंट्री आती है, फर्स्ट एंट्री फिर कहाँ से आती है, जो 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 इनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो जर्नल के जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कैश मेमो कटी, कोई कोई कस्टमर आया, कैश मेमो कटी, तो कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गया, या सेल्स रिसिप्ट हो गई, या पेमेंट कोई बिल है वो हो गया, इनवॉइसेस हो गए, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जर्नल का क्या मतलब हुआ, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल, और जिस फॉर्म में जिस तरीके से वो रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाता है जनरल एंट्रीज। इसमें जनरल एंट्री और लिख दोगे आप आगे, जनरल एंट्रीज, उस फॉर्म को बोलते हैं जनरल एंट्रीज। और जनरल में जो भी ट्रांजेक्शन्स है फर्स्ट रिकॉर्डेड होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी, इसलिए इसको प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। ओरिजिनल एंट्रीज आर बीइंग रिकॉर्डेड इन जनरल, और यहाँ के बाद वो लेजर में जाएगा। इसके अलावा जर्नल में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग है,
डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट मीन्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 5,000। अब इसमें दो एस्पेक्ट आ गए, कौन सा एस्पेक्ट? एक तो गुड्स का आ गया, हमने गुड्स खरीदा, दूसरा हमारा आ गया कैश। तो एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये हम अभी समझते हैं। तो उससे पहले दो एस्पेक्ट आ गए, डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से। सेकेंडली, जर्नल के अंदर नरेशंस भी लिखी जाती है। नरेशंस मतलब आपने डेबिट क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन क्या किया? फॉर एग्जांपल अगर हमने गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 500 केजी एट द रेट रुपीज 10, गुड्स परचेज्ड 500 केजी एट द रेट ऑफ रुपीज 10, 5,000 एंट्री तो 5,000 की करी। लेकिन अच्छे से समझाने के लिए कोई और अगर समझना चाहता है तो एक नरेशन लिखी जाती है कि दिस गुड्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 10, 500 केजी वाज परचेज्ड। तो इस तरह से नरेशंस भी लिखा जाता है। अब हम चलेंगे जर्नल एंट्री की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने जो अकाउंटिंग प्रोसीजर, हमने जो एक चैप्टर पहले हम कर चुके हैं, उसमें हमने मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ा है कि किस तरह से क्या रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट को, किस तरह से डेबिट किया जाता है, किस तरह से क्रेडिट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बेस कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, वो मेरा अपना तरीका है कि किस तरह से डेबिट हुआ, किस तरह से क्रेडिट हुआ। उसके बाद हम मेन जो प्रोसीजर है उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले जो एक देसी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, देसी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, कि इसको डेबिट कर दो, इसे क्रेडिट कर दो, इस तरह से मैं जो समझाना चाहता हूँ वो मैं अब आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, हम अभी बिल्कुल देसी भाषा में बात करेंगे। आप ये बताइए कि सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है? हम जॉब पे जाते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम तो सबसे ज़रूरी क्या है? आप बोलेंगे पैसा, कैश। मैं बोलूँगा कैश अगर आपको मिल भी जाता है तो क्या कैश से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? क्या हम कैश को 2,000 रुपये के नोट को खा सकते हैं, हमारा पेट भर जाएगा? नहीं ना। क्या हम 2,000 रुपये के नोट को बिछा के उस पर सो सकते हैं? क्या 2,000 रुपये का नोट हमारे को सर्दी और गर्मी से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। तो कैश क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? कैश हमारे लिए ज़रूरी है गुड्स खरीदने के लिए। अकेला कैश कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम उससे गुड्स ना खरीदें, ठीक है? गुड्स खरीदनी है, अब हम इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया, मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा लिया क्या और दिया क्या। क्या लिया, क्या दिया, या इसको लिख लो आप क्या मिला, कुछ भी लिख लो। आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। क्या मिला और क्या गया। अगर मैं एक ये डस्टर खरीद के लाता हूँ 20 रुपीज़ का, तो क्या मिला मुझे? डस्टर। डस्टर खरीदा, डस्टर मैं ऐसे तो लेके आया नहीं हूँ, मैंने कुछ तो किया ही होगा, उसके लिए मैंने कैश दिया। तो दिया या गया, क्या गया हमारा? कैश। 20 रुपये का लिया है तो 20 रुपये का डस्टर लिया या मिला और कैश दिया। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। मैंने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर लिया, फिर से दिया क्या हमने? ऐसे तो कोई भी नहीं देगा, दिया हमने, फिर से कैश दिया। ये 20 रुपीज़ का था, कंप्यूटर हमने खरीदा 10,000 का, तो कंप्यूटर मिला और गया क्या हमारा? कैश 10,000 का। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है।
और आगे चलते हैं, और कोई एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल लिया, दिया क्या, फिर कैश। फॉर एग्जाम्पल ये 5000 का है तो 5000 का हमने लिख दिया यहाँ पे कि 5000 का हमें मिला है और ये हमने कैश दिया है। जो दिया है हमने इस तरफ लिख दिया, जो मिला हमें वो हमें इस तरफ लिख दिया। और आ जाइए नेक्स्ट, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये कंप्यूटर जो लिया था ये बेच दिया, बेच दिया तो क्या दिया, दिया क्या हमने कंप्यूटर। अब बेचा है 5000 का और मिला क्या हमें, यहां हमने दिया था कैश, यहां हमें कैश मिल गया 5000 रुपीज। तो ये तो हो गए हमारे गुड्स। अब देखिए गुड्स से ही सारी बातें पूरी नहीं होती हैं, हमको सर्विसेज भी चाहिए। हमने मोबाइल ले लिया, मोबाइल में अगर हम डाटा रिचार्ज नहीं करवाएंगे, टॉक टाइम नहीं लेंगे तो मोबाइल तो बेकार है हमारे लिए। तो डाटा रिचार्ज करवाना या टॉक टाइम लेना हमारी क्या है, सर्विस। हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ले लिए, बड़े फैंसी लाइट्स ले ली, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो दे आर यूजलेस फॉर अस। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है, सर्विसेज है। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, कैश दिया 2000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे लिए, सर्विस। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है हमने, हमें मिली है इलेक्ट्रिसिटी, हमें यहां पे लिया में हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी, और दिया हमने अगेन कैश। और आगे चलते हैं, कोई सर्विस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, एजुकेशन। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम क्या क्या मिलता है हमें वहां से, एजुकेशन मिलती है। और देते क्या हैं, अगेन कैश दे रहे हैं। सपोज 10,000 कि हमने कैश दिया और 10,000 रुपये हमारी एजुकेशन फीस थी कॉलेज की, स्कूल की। तो अगर मैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में हूँ तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में लिया, मिला, दिया, गया, ये सब नहीं चलेगा। अकाउंट्स में हम लिख दें अगर इसको डेबिट और इसको लिख दें क्रेडिट, तो कोई हर्ज तो नहीं है। हमने डेबिट किया डस्टर को, क्रेडिट किया क्या कैश को। हमने परचेज डस्टर फॉर कैश ₹20, तो डेबिट डस्टर, क्रेडिट कैश, वही बात है। तो डेबिट्स को हम लेके चल रहे हैं मिला, और क्रेडिट को हम लेके चल रहे हैं दिया या गया, क्या हमारे पास से चला गया। इस केस में हमने अपना कंप्यूटर बेचा था, यहाँ क्या एंट्री हम बनाएंगे, मिला क्या था हमें, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां इसकी क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं दिक्कत है, सिर्फ से मिला और दिया की जगह हमने डेबिट लिख दिया। और यहां क्या एंट्री बनाओगे, डस्टर है। अब डस्टर को डस्टर तो नहीं लिखेंगे, स्टेशनरी लिखेंगे, क्योंकि स्टेशनरी में पेन, पेंसिल्स और डस्टर्स आ गए, इस तरह की बहुत सारी, स्केल्स आ गए, इरेजर्स आ गए, तो वो सारी चीजें हैं। तो इस केस में आप क्या लिख दोगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और आगे चलते हैं, थोड़ा इसी का ही एक्सटेंशन और लेते हैं। स्टूडेंट्स, आजकल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ऐसा नहीं है कि आप सेल के लिए जाओ और इमीडिएट आपको कैश मिल जाए, थोड़ा सा क्रेडिट भी देना पड़ता है। क्रेडिट हम देते भी हैं, क्रेडिट हम लेते भी हैं। वो किस बेस पे होता है, वो होता है ट्रस्ट के बेस पे।
जो आपके नॉन डीलर्स हैं वो आपको क्रेडिट देंगे भी और आपसे क्रेडिट लेंगे भी। और क्रेडिट कितने दिन का होता है? हो सकता है 2 दिन का हो सकता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का क्रेडिट हो सकता है। तो वो किस बेस पे? ट्रस्ट के बेस पे है। तो हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ थी गुड्स, दूसरा सर्विसेज, थर्ड इज ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है, नॉन कस्टमर है आपका, नॉन डीलर है, तो आपको क्रेडिट में मिलेगा। अब इसी एग्जांपल को ले लीजिए, मैंने डस्टर क्या लेके आया, डस्टर लेके आया 20 रुपये का, लेकिन मैंने 20 रुपये दिए नहीं उसको, नॉन था, जो स्टेशनरी शॉप थी वो नॉन थी। तो मैंने बोल दिया भाई ठीक है आप 20 रुपये बाद में दे दूंगा, कल दे दूंगा, 2 दिन बाद दे दूंगा। तो अकाउंटिंग एंट्री तो इमीडिएट करनी ही है, लेकिन हमने डस्टर तो ले आए, हमें कैश तो दिया नहीं, तो कैश की जगह क्या कर लिखेंगे फिर हम? कैश की जगह हम उस स्टेशनरी शॉप का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेशनरी शॉप का नाम था राम, राम स्टेशनर्स, तो हमने डस्टर अकाउंट डेबिट टू राम कर दिया, क्योंकि अभी हमने कैश दिया नहीं है, हमारा गया की जगह हमने सिर्फ राम लिखा, लेकिन डस्टर तो हम ले आए। अब क्या होगा? अब एज कमिटमेंट, ट्रस्ट था तो उसने दे भी दिया था, अब मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं 2 दिन बाद या अगले दिन ही दे दूंगा, कैश दे दूंगा, तो नेक्स्ट डे पे कैश दे दिया हमने, तो गया क्या हमारा? अब नेक्स्ट टाइम पे हमारा कैश गया 20 रुपीज, और मिला क्या? कुछ भी नहीं, वो तो मिल तो चुका हमें पहले, डस्टर मिल चुका। अब हमने क्या करना है, राम अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था, अब इस राम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 20 रुपीज से। तो पहली एंट्री हो गई ये, दूसरी एंट्री हो गई ये नेक्स्ट डे वाली। फर्स्ट डे हमने एंट्री करी डस्टर अकाउंट या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि कैश नहीं दिया, और फिर जब हमने कैश दे दिया तो कैश को हमने क्रेडिट किया और राम को हमने डेबिट। इसका अकाउंट तो क्लोज करना ही है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले हमने फर्स्ट डे की ट्रांजैक्शन ये थी, फिर सेकंड डे की ट्रांजैक्शन ये थी, तो इसको हमने दिखाया फिर इस तरह से। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे कंप्यूटर को बेचा था 5,000 रुपीज़ में और कैश लिया था। अब अगेन वही कि जिसको हमने कंप्यूटर बेचा वो नॉन था हमारा, हम उसको ट्रस्ट करते हैं, तो उसने भी कहा कि जी कंप्यूटर के पे मेरे को अभी दे दो, मैं आपको कल दे दूंगा, 2 दिन बाद पैसे 5,000 ला के दे दूंगा। तो फर्स्ट डे हमने क्या किया, हमें गया क्या हमारा कंप्यूटर, लेकिन मिला क्या हमें? कुछ भी नहीं मिला, अभी तो सिर्फ एश्योरेंस मिली है, कमिटमेंट मिला है। तो हम उस एश्योरेंस कमिटमेंट को हम ट्रस्ट करते हैं कि हम ये बंदा दे देगा हमें, 1-2 दिन में दे देगा। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, नाम मान लीजिए सुरेश। गया हमारा कंप्यूटर और आया सुरेश। सुरेश मीन्स कि अभी हमें कैश मिलना बाकी है इनसे। अब एज कमिटेड मान लीजिए सुरेश दूसरे तीसरे दिन पे कैश लेके आ जाता है, फिर क्या एंट्री करोगे आपकी? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आया क्या? हमारे पास आया कैश, और जो हमने जो सुरेश को यहाँ हमने डेबिट किया हुआ है, तो इसका अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना, तो इसको हमने सुरेश को हमने कर दिया क्रेडिट, यानी कि गया सुरेश का अकाउंट, यहाँ हमने 5,000 से डेबिट किया हुआ था, अब 5,000 से क्रेडिट कर दो, और इस केस में हमारे पास कैश आया। गया कुछ नहीं, गया तो पहले ही हुआ हुआ था हमारा, कंप्यूटर पहले ही जा चुका है। तो ये हमारी इस केस में पहली एंट्री ये हो गई। सेकंड एंट्री, जिस भी दिन सुरेश लेके आएगा उस दिन की एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, तो सुरेश का अकाउंट यहाँ निल हो गया, इधर आपने राम का अकाउंट निल कर दिया। तो अब इसमें और एक एक्सटेंशन ले लेते हैं, इतना समझ में आ गया, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेस बहुत अच्छे से समझना है आपने। अब इसी को ही एक्सटेंशन और ले लीजिए, हमने सुरेश को कंप्यूटर बेचा था 5,000 का,
हमने कंप्यूटर सुरेश को बेचा था 5,000 रुपीज़ का। अब सुरेश क्योंकि नोन है मेरा, वो कहता है 5,000 अभी तो नहीं है मेरे पास, आप ऐसा करो मेरे से 1,000 ले लो अभी। उसने 1,000 दे दिए अभी, और बाकी 4,000 बाद में दे दूंगा, एक दो दिन में दे दूंगा। तो हमारा गया क्या, कंप्यूटर आया क्या, अभी तो सिर्फ से कैश ही आया है, और वो भी 1,000 आया है, बैलेंस तो 4,000 है अभी। तो बैलेंस 4,000 में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सुरेश 4,000। सिंपल है, कंप्यूटर गया हमारा, और हमने ये अपनी अकाउंटिंग एंट्री 5,000 से इक्वल बना ली, कैश हमें मिल गया 1,000, 4,000 सुरेश अभी देगा एज कमिटमेंट, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर। अब दूसरी दिन सुरेश जो है 4,000 रुपीज़ लेके आ गया। अब सुरेश लेके आया है तो हमारे पास आया क्या, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपए देगा, 1,000 तो वो पहले ही दे चुका है, 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुरेश को फिर से हम क्रेडिट कर देंगे, इसका अकाउंट तो क्लोज करना है ना हमने। तो ये दो एंट्रीज हमारी, एक एंट्री ये बनी, एक एंट्री ये बनी हमारी, एक एंट्री फर्स्ट एंट्री हमारी ये बनी, सेकेंड एंट्री हमारी ये बनेगी। 1,000 रुपीज़ हम पहले रिफ्लेक्ट कर चुके हैं, 4,000 रुपीज़ अब कैश आ गया, अल्टीमेटली 4,000 और 5,000 हमें मिल चुके, और सुरेश का अकाउंट हमने कर दिया क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल देसी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल देसी लैंग्वेज है ये, इससे आसान तरीका मेरे पास नहीं है आपको समझाने का क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। इसमें एक फोर्थ स्टेप एक और है, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। मान लीजिए आपका गुड्स जो है वेयर हाउस में रखा हुआ था, गोडाउन में रखा हुआ था, वहाँ पे आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब फायर से नुकसान हो गया तो ये तो इररिकवरेबल है, ये तो ख़त्म हुआ, लॉस ही है हमारा। अब आपको मिला क्या, कुछ भी मिला तो कुछ भी नहीं, लॉस ही हुआ है। और गया क्या हमारा, गुड्स, गुड्स गया, मिला क्या, कुछ नहीं, लॉस। लॉस को आप लिख सकते हो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब हमें एक्चुअल लिखना है कि व्हाट वाज द रीजन, इस लॉस का रीजन क्या था, हमने एक्चुअल लिख दिया भाई फायर था। इसी तरह अब आपको फॉर एग्जांपल कहीं से आपको मोबाइल, मेट्रो में जा रहे हैं, मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, और वो मोबाइल आपने देखा इसकी मार्केट वैल्यू तो 5,000 रुपीज़ है, तो आपको इस केस में गया क्या आपका, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन हमें मिला, मिला क्या हमें, मोबाइल, मोबाइल मिला 5,000 रुपीज़, और गया तो कुछ नहीं, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। हमने जो पिछले एग्जांपल में एक कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था कि हमने कंप्यूटर बेचा था 5,000 रुपीज़ में, हमने सुरेश को बेचा था, तो हमारा गया क्या था, कंप्यूटर 5,000 रुपीज़ में हमने सुरेश को बेचा था। अब सुरेश कहता है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल 5,000 रुपीज़ नहीं है, ऐसा भी केस हो सकता है, वो कहता है कि मेरे पास अभी 1,000 रुपीज़ हैं, तुम 1,000 रुपीज़ रख लो और मुझे कंप्यूटर दे दो, और जो बैलेंस 4,000 रुपीज़ है वो मैं अभी दे दूंगा, एक दिन में दो दिन में दे दूंगा। तो सुरेश मेरा नोन है, मेरा फ्रेंड है, जो भी है, तो मैंने उसको कंप्यूटर दे दिया। तो हमें मिला क्या उस केस में, हमें मिला तो सिर्फ से कैश, और वो भी कितना, सिर्फ सिर्फ 1,000 रुपीज़, बाकी 4,000 तो मिला नहीं हमें। तो अब हम बैलेंस कैसे टैली करेंगे अपना, यहाँ पे हम लिखेंगे सुरेश, सुरेश 4,000 रुपीज़, यहाँ तक हमने पहले किया हुआ था। अब कुछ दिन निकल जाते हैं, सुरेश आता ही नहीं हमें पैसे देने। अब हम ही पता करने जाते हैं कि सुरेश कहाँ है, पता चला सुरेश जी तो शहर छोड़ के बाहर चले गए। हमें लग गया कि हमारे ये 4,000 रुपीज़ तो हमें अब मिलने वाले नहीं हैं, तो ये 4,000 रुपीज़ तो हमारा हो गया लॉस। तो अब इसकी एंट्री क्लोज कैसे करेंगे, पहली एंट्री तो हमने ये बना रखी थी, अब दूसरी एंट्री कैसे क्लोज करोगे जब पता लग चुका है हमें कि सुरेश तो अब है नहीं, ये तो पैसे मिलने वाले नहीं है। तो सुरेश के अकाउंट को तो हम करेंगे अब क्लोज, सुरेश ने कितने देने थे, 4,000 रुपीज़,
और यहाँ हम अब मिला क्या हमें, कैश तो मिला नहीं, लॉस मिला हमें। तो लॉस लॉस हम करेंगे 4,000 रुपीज़ से, ये सेकेंड एंट्री हमारी ये वाली होगी। अब लॉस को अकाउंटिंग टर्म में हम इसे बैड डेट्स भी कहते हैं, बैड डेट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बैड डेट्स का अब क्या, कैसे हमारा ये लॉस है हमारा बैड डेट्स, एक तरह से हम एक्सपेंस मान के चलते हैं बैड डेट्स को। और सुरेश का अकाउंट हमने यहाँ पे नील कर दिया, 4,000 रुपीज़ को हमने सुरेश को क्रेडिट कर दिया। तो स्टूडेंट्स कुछ ये ट्रांजैक्शंस थी जो मैं और आपको समझाना चाहता था। इन ट्रांजैक्शंस में हमने लॉस और प्रॉफिट के बारे में समझा, हमारा जो फोर्थ कंसेप्ट एक हो गया प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो कंसेप्ट्स थे ये मैंने अपने हिसाब से समझाए हैं आपको, देसी भाषा में जिसे मैं बोल सकता हूँ समझाए हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग भाषा में नहीं है, लिया मिला दिया गया। तो आप अब हम जो अगले वीडियो में समझेंगे वो हम अकाउंटिंग भाषा में समझेंगे, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और एक मॉडर्न अप्रोच है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो आपका जनरल चैप्टर है। इस चैप्टर में फिर से रिवीजन करवाया गया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को, तो हम अभी फिर से और रिवीजन करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में लेके आऊँगा, जिसमें आपको डेबिट एंड क्रेडिट के एज़ पर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे आज जो था वीडियो ये सिर्फ आपको बेस समझाने का था। ठीक है, तो फिर बने रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए, आपके लिए फ्री एजुकेशन है, कहीं कोचिंग सेंटर में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इसको सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, आप उसको वेट करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।